उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मजोला थाना क्षेत्र में मौजूद कार के शोरूम आकांक्षा मारुति पर अज्ञात बदमाशों द्वारा शोरूम पर ड्यूटी दे रहे गार्ड को गोली मार दी गई। शोरूम स्वामी अमित द्वारा घटना की सूचना थाना मजोला पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची मजोला पुलिस द्वारा गंभीर अवस्था में घायल गार्ड को साई हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो जाने पर शव को मर्चरी हाउस भेज दिया गया। मारुति शोरूम के स्वामी अमित के अनुसार मृतक गार्ड शाकिर 2008 से उनके यहां नौकरी कर रहा था। जिस समय यह घटना हुई उस समय शोरूम में मृतक के अलावा दो अन्य गार्ड भी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन वह घटना को लेकर खामोश है। यहां खास बात यह रही कि शोरूम से कुछ ही दूरी पर मजोला थाना भी मौजूद है। मुरादाबाद मंडल के मारुति के सबसे बड़े कार शोरूम में ड्यूटी दे रहे गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोरूम पर गार्ड की हत्या सुबह 2 से 2:30 के आसपास की गई। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय मृतक के अलावा दो अन्य गार्ड भी शोरूम में मौजूद थे, लेकिन वो घटना के समय सोने की बात कह रहे हैं। मृतक गार्ड शाकिर पिछले कई सालों से यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा था। अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारे जाने के बाद गार्ड ने घर पर फोन कर खुद को गोली मारे जाने की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन ही उसे स्टाफ के साथ अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर मौजूद रहे एसपी सिटी अमित आनंद द्वारा बताया गया कि घटना के तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मुनीश शर्मा। मुनीश जी, क्या हुआ था यहाँ पे? असल में हमारे पास तो देखिए फोन आया था 4 बजे के आसपास कि ऐसा ऐसा शोरूम पर घटना हुई है, हमारा गार्ड है साकेत, इसकी गोली मार दी गई है और साई हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। और जब साई हॉस्पिटल से फिर दोबारा फोन आया कि भाई साई हॉस्पिटल की डेथ हो गई, उसके बाद मैं और बॉस यहाँ पे दोनों आए तो देखा यहाँ पर सारे आप लोग पहले हुए थे। कोई रंजिश थी पुरानी कोई? ना ना, वैसे हमारी जानकारी में तो कोई ऐसा है नहीं। हमारा तो गार्ड काफ़ी टाइम से था, काफ़ी टाइम से हमारे नौकरी कर रहा था और बाकी हमें पर्सनल लाइफ के बारे में पता नहीं। हमारे पास तो शाम को आता था। एक साल पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई थी? हमारी नहीं होगी, अगर होगी तो इनकी फैमिली में पता बात करने पर पता लग पाएगी। हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा साजिद हुसैन नाम है। सर जी, आप जो मृत्यु हुई है वो कौन है और कैसे? मेरे बड़े भाई हैं, भोला सिंह की मिलत के रहने वाले हैं और 12-13 साल से यहाँ आकांक्षा में ड्यूटी करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड में है, सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ड्यूटी करते थे यहाँ पर। कम से कम 12-13 साल हो गए, रात की घटना ऐसी घटी है पता नहीं। और जो तीन लोग थे ये, वो दोनों लोग बता रहे हैं, दोनों इधर गार्ड वाला, ये भी गार्ड और उधर वाला भी गार्ड बता रहा है कि हमें पता ही नहीं चला, हम तो सो रहे थे। जब मेरे भतीजे लोग आए, मेरे भाई ने गोली लगने के बाद उसमें उन्होंने फ़ोन किया है कि घर पर कि बेटे शाहरुख मेरे गोली मार दी। बोले वो ये नहीं पूछ नहीं पाया, बोले मुझे बचा लो। वो बच्चा ये नहीं पूछ नहीं पाया गर्म गाँव में कि किसने मार दी। अच्छा, ये दोनों गार्ड नहीं बता रहे, बोले हम सो रहे थे। कितने बजे की लगभग? ये लगभग 2-2:30 बजे का टाइम होगा सर। किसी से कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं। ड्यूटी आना और ड्यूटी से सुबह चले जाना। तो जो अन्य गार्ड है वो कुछ नहीं बता? वो कुछ नहीं बोले सर, वो कह रहे हैं। अब मेरे भतीजे ने आके उठाया उन दोनों गार्डों को, तो वो कह रहे हैं कि हम तो सो रहे थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता चला, हमें तो आवाज़ भी नहीं आई, हमें तो आवाज़ भी नहीं आई। और मुश्किल से कितना दूरी होगी, 100 गज की दूरी भी नहीं है। दूसरे वाले गेट की? दोनों गेट की। गार्ड थे, गनमैन थे? गनमैन थे दोनों। ये भी गनमैन थे? ये भी गनमैन थे, उनके अपने अपने अपना लाइसेंस है इनके पास। गार्ड को गोली मारी गई है, क्या लग रहा है? ये मजोला थाना क्षेत्र में एक कार शोरूम है, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है जिसे रात्रि में गोली मारकर हॉस्पिटल दिखाया गया है, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। इनके परिवारजन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, सूचना पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए यहाँ पे आई। पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है और साथ ही इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जो साक्ष्य के आधार पर जो कार्रवाई फोन करी जाएगी। आस पास के जो टीम को भेजे गए उनको भी।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।